ज्यादा ही 65+ होंगे, क्योंकि और भी ममालिक के लोग आए हुए पाकिस्तान में आज। और अभी मीडिया क्या दिखा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? मीडिया OIC नहीं दिखा रहा, मीडिया अफगानिस्तान नहीं दिखा रहा, मीडिया दिखा रहा है धमाके। मीडिया दिखा रहा है कि इस वक्त देखें कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल नर्व सेंटर है उसको टारगेट किया गया। अब कराची में जब धमाका होता है तो दैट मेक्स ग्लोबल हेडलाइंस। अगर बलूचिस्तान के किसी एक छोटे से शहर में हो जाता तो शायद ना होता। दोस्तों ये न्यूज तो आपने सुनी होगी कि पाकिस्तान में बहुत जल्द OIC का समिट होने वाला है, शायद आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले एक कराची से आज एक न्यूज आती है, बैक टू बैक धमाके होते हैं और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया स्टार्टिंग में कवर करने के लिए और पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया वॉरियर है वो कवर करने के लिए बोलते हैं कि ये एक्चुअली में गैस पाइपलाइन में धमाका है। गैस पाइपलाइन में धमाके से इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं गिर सकती। और उसके बाद बैक टू बैक धमाके होते हैं, वो मैं विजुअल आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑब्वियसली जो बेचारे लोग मारे गए हैं, जो बेकसूर लोग मारे गए, उनको देखकर डेफिनेटली बड़ा दुख लगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस खबर को लेकर जो कमर चीमा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप देखेंगे कमर चीमा यही एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान की किसी मीडिया हाउस में बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो आपको पता है कि वो इंडिया को ब्लेम करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बोल सकते। तो दोस्तों चलिए पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए। जय हिंद। इस वक्त 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो टॉप ब्रास है वो इस्लामाबाद में मौजूद है इस वक्त, और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मसले के ऊपर एक OIC समिट जो है वो कर रहा है, और वन पॉइंट एजेंडा है कि अफगानिस्तान को पैसा दिया जाए, वहां इंसानी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकता है। इस दौरान कराची में एक धमाका होता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके, 10 से ज्यादा लोग। अब क्या मतलब है इस धमाके का? इधर हम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर 57 ममालिक को होस्ट कर रहे हैं, उधर जिसमें अमेरिकन भी बाय द वे उनको भी बुलाया गया है एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर, इटालियंस भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, चाइनीज भी हैं, रशियन भी हैं, सबको बुलाया गया। और मजे की बात यह है कि इस मौके पे अगर कराची के अंदर इस तरह का धमाका होता है, और कहा जा रहा है कि जी वो एक बैंक था, बैंक के नीचे शायद गैस पाइपलाइन थी वो फटी है, ऑब्वियसली गैस पाइपलाइन के फटने से किस तरह की चीजें होंगी ये तो भी डिटरमिन किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि जो सिंध रेंजर्स है वो कह रहे हैं कि वी हैव येट टू डिटरमिन, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस है, ये धमाका एमए नहीं हुआ, इसके पीछे रेलिवेंस है। वो जो ताकतें ये बताना चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं है, वो ये साबित करना चाहती हैं कि हाँ जी जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहां पे आएगी, जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट होगा, जब भी पाकिस्तान स्टेबल होगा, जब भी पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइज एक एनवायरमेंट आएगा, जब भी पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट करेगा, तो हम इस तरह के धमाके करके ये बताएंगे कि नहीं पाकिस्तान में ना है, अभी पाकिस्तान इस काबिल नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान की इतनी पोजीशन नहीं है, अभी पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है। ये जो चीज है ये हमें एक तकलीफ देती है। इन द प्रेजेंस ये हम सारी एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं OIC की जो एक्सरसाइज है, इन द प्रेजेंस ऑफ OIC लीडर्स हम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के लिए हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम इसको समझते हैं कि अगर वहां पे मामला ठीक ना हुए तो इसका इंपैक्ट हमारी सोशल सिक्योरिटी पे होगा, यहां पे माइग्रेंट्स आ जाएंगे, यहां पे रिफ्यूजीज होंगे, वो हमारे मुआशरे को मजीद तबाह करेंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन होगी। हम तो अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए, ये 50 साल पहले 45 साल पहले जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो जंग शुरू की, जो अमेरिका के इत्तेहादी और सऊदी अरब के और साथ में मुजाहिदीन तैयार किए, वो हमारी जान नहीं छोड़ रहे। हम पाकिस्तान ने इतना खून दे दिया इनके लिए, आज भी हमारी जान नहीं छूट रही। और देखें थोड़े दिन पहले TTP ने अनाउंस किया था थोड़े दिन पहले कि हम सीज फायर को खत्म कर रहे हैं, और तहरीके तालिबान ये नहीं ये बात की, और वो जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है, जो अफगानिस्तान की हुकूमत है जिसके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं, उसके उसके उसको सब चीजों का पता है ये क्या हो रहा है, उनको सब चीजों का पता है ये क्या हो रहा है।
वो पाकिस्तान की एफर्ट्स को भी समझते हैं। हमने शायद कोई ड्रोन स्ट्राइक भी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ। अब ये है कि हर आए रोज कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो हमें देखनी पड़ रही है हर आए रोज। अभी आप देखें कि टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं तालिबान, अफगान तालिबान, और हम अफगान तालिबान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को होस्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए होस्ट कर रहे हैं। अभी कल मैं देख रहा था कि वो जो ब्रास है, वो जो चार आर्म्ड बलोच मिलिटेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, उन्होंने एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो बलोचिस्तान के अंदर जुमेरात को 11 पाकिस्तानी जो फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, पर्सनल हैं, उनको उन्होंने जख्मी किया और उनका असला भी छीन लिया और उनको मारा भी है। अब ये जो जिसे आप कह लें कि ये अब ब्रास जो है ये खबरें चलवा रही है, अब हमें पाकिस्तान को ये सख्त सवाल करने हैं अफगान तालिबान से कि भाई आपके लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना घर, क्योंकि हम तो अपनी अफगान हुकूमत को पूछ नहीं सकते, हम तो अपनी हुकूमत से बात नहीं कर सकते ना कि सर आप इतना कुछ अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं, हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, क्या अफगान तालिबान हमें क्या एश्योरेंस देते हैं, क्या वो हमें कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या आज कराची के अंदर मुझे ये बताया ना, इस वक्त हम दुनिया को दिखा रहे थे कि देखें पाकिस्तान बड़ा पुरमन मुल्क है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, और हमें ये बताया गया है कि नहीं, हमें फेल करने के लिए सब कुछ किया गया, ये पाकिस्तान को फेल करने के लिए सब कुछ किया गया है ताकि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बाहर ना जा सके, और हमें क्या अफगान तालिबान इसमें फेल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अफगान तालिबान इसमें किसी ना किसी चीज में मुलव्वस हैं कि नहीं है, इस पे बात होनी चाहिए, ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि अफगान तालिबान हमारे इस पीस प्रोसेस में जो हम उनके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम सारी मुस्लिम उम्मा को बिठा रहे हैं यहाँ पे, और हम इंटरनेशनल और हमारा सारा नेशनल टाइम जाया हो रहा है। देखें अमरीका ने मिडल ईस्ट से विड्रॉल कर लिया, अमरीका ने अफगानिस्तान से विड्रॉल कर लिया, अमरीका ने इराक और इन बाकी ममालिक से विड्रॉल कर लिया सिर्फ एक चीज के ऊपर कि हमें इंडो पैसिफिक में जाके चाइना को काउंटर करना है। वो क्या सोच रहे हैं, यानी इतना बड़ा मुल्क जिसके पास इतने रिसोर्सेज, इतना वेपन, इतना फाइनेंस, इतना पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल कैपिटल होने के बावजूद अपनी डायवर्जन नहीं कर सकता, मतलब ये कि वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मल्टीपल जंगें छेड़ सके। हम जो हैं, हम कैसे अफगानिस्तान के मसले को भूल के हम आगे जा सकते हैं, हमारे लिए तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, हमें तो इस पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया गया है कि हमारा सारा नेशनल टाइम तो अफगानिस्तान पे जाया हो रहा है। तो अमेरिका जैसा मुल्क जो है दैट गॉट सक इन अफगानिस्तान, उसका वो सिर्फ वहां से इसलिए नहीं निकले कि जी वो दे डैम केयर कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, दे ओनली केयर कि उनका थ्रेट और है। इसी तरह पाकिस्तान को सोचना है कि हमारी नेशनल सॉवरेनिटी या हमारी जो सर्वाइवल के जो वेज एंड मींस हैं वो बिल्कुल और है भाई, हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमारे पास इतना पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है कि हम सारा अफगानिस्तान पे लगा के तो अपना मुल्क का बेड़ा पठबा लिए, हमारे पास इतना कुछ नहीं है। और वो अफगान, वो तालिबान, वो टीटीपी जो अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है और हमारी बात भी नहीं सुन रही, और अफगान तालिबान की बात भी नहीं सुन रही, और किस हद तक देखें ये टीटीपी और अफगान तालिबान दे रिमेन ब्रदर्स, और क्यों करके वो पाकिस्तान के लिए इस तरह की जंग लड़ेंगे। मुझे तो 100% डाउट है कि अगर पाकिस्तान ने एक टफ एंड सीरियस मैसेज अफगान तालिबान को ना दिया और इनको लिए, इनके लिए मसले, अभी तो हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं ना, उनके डाटा इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं, उनके लिए चीजें मैनेज करने के लिए मदद कर रहे हैं, उनके लिए एड मैनेज करने के लिए मदद कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम करने की मदद कर रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल कहाँ वेस्ट हो रहा है। इमरान खान साहब से ये सवाल किया जाना चाहिए।